नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और कमाल के फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं MWC 2019 के बारे में। आखिरकार ये MWC क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। एक्चुअली ये जो MWC है, इसे प्रति एक वर्ष मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में MWC 2019 से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे कि आखिरकार हमें यहाँ पे क्या नया इनोवेशन देखने को मिलेगा, ये MWC 2019 कब से कब तक चलेगा और इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आइए इन सब रोचक बातों को जानते हैं MWC 2019 से रिलेटेड। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस प्रकार के वीडियो देख पाएं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं MWC के बारे में। एक्चुअली तौर पे ये जो MWC है, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये टेक जगत यानी कि टेक्नोलॉजी जगत का महाकुंभ है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जगत का ये महाकुंभ है। एक्चुअल तौर पे अगर आप इसे जानने की प्रयास करें तो लिटरली बहुत सारे जो आपको कैटेगरीज देखने को मिलते हैं, तो उनका जो टॉप लेवल का प्रोग्राम होता है, उसी प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका ये टॉप लेवल का प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एक से बढ़ के एक कमाल कमाल की चीजें को प्रति एक वर्ष जब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस समय वो शो केस करती है। एक्चुअली तौर पे इस 2019 जो MWC होने वाला है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बहुत सारे चीज को शोकेस करेगी, जहां पे कुछ कंपनियां अपने कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी और बहुत सारे ऐसे भी चीज को वहां पे शोकेस किया जाएगा जो आपको इस 2019 में देखने को मिलेगा और मे बी आपको अगले साल की शुरुआत यानी कि 2020 की शुरुआत में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब जी कमाल कमाल की रोचक तत्व है, रोचक चीज है, वो आपको देखने को मिलेगा MWC में। और तो लिटरली ये जो MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इसका कॉन्सेप्ट कोई न्यू या फिर नया नहीं है, ये काफी वर्षों से पहले से चलते आ रहा है। तकरीबन ये 20 से 25 वर्ष पहले से ही चलते आ रहा है। और लिटरली ज्यादातर जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, स्पेन के अंदर होता है। स्पेन में एक सिटी है बार्सिलोना, जो उनके कैपिटल मैड्रिड के बगल में ही है बार्सिलोना, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जिसे ऑर्गेनाइज करती है GSMA, जो होस्ट है वो है GSMA, जिसे प्रत्येक वर्ष ज्यादातर ऑर्गेनाइज किया जाता है बार्सिलोना में। वैसे ये सब और भी कुछ कंट्रियों में होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंट्री है वो है बार्सिलोना। एक्चुअली ये एक सिटी है, कंट्री है स्पेन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो MWC 2019 है, हमें कब से कब तक देखने को मिलेगा। लिटरली मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा से जितना भी MWC होता है वो आपको फरवरी मंथ के लास्ट में देखने को मिलता है या फिर मार्च मंथ के शुरुआत में देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी ईयर के सेकेंड मंथ या फिर थर्ड मंथ में आपको देखने को मिल जाता है। पिछले वर्ष भी देखने को मिला था आपको फरवरी के अंत में, और ये जो है तकरीबन चला था 2 से 3 मार्च, और आपको इस बार भी इस फरवरी के अंत में ही आपको ये शो को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बार्सिलोना में। मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इस 2019 इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 25th ऑफ फरवरी से लेके 28th ऑफ फरवरी तक, यानी कि 4 दिन लगभग शो चलेगा। इन 4 दिनों में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को, नए इनोवेशन को हम लोगों के बीच पेश किया जाएगा, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, विश्व की ग्लोबल कंपनियां हिस्सा लेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका यहाँ पे योगदान होगा, जिनमें से आपको एक बड़ा नाम ओप्पो का है, साउमी का है, एप्पल का है, HMD का है, सैमसंग का है, LG का है, तरह तरह की कंपनियां का है, जो आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, चाहे वो हुआवे भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, MWC 2019 में आपको खास क्या देखने को मिलेगा। लिटरली तौर पे जो MWC 2019 है, यहाँ पे आपको बहुत सारी नई कमाल कमाल की इनोवेशन देखने को मिलेंगे। जैसा कि कैमरा जगत में आपको कमाल देखने को मिलेगा। सबसे पहले बताऊं तो कैमरा जगत को लेके, आपको पहले जो कैमरा देखने को मिलते थे, मैं मानता हूं इधर कुछ सालों से आपको मल्टी कैमरा देखने को मिल रहा है, मल्टी कैमरा सिस्टम, जहां पे मैक्सिमम आपको 2 कैमरा देखने को मिलता था, 3 कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन इस MWC 2019 में HMD की ओर से एक नया डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा, वो होगा नोकिया 9 प्योर व्यू, जहां पे आपको पेंटा कैमरा देखने को मिले। काफी हद तक ये जो पेंटा कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो कैमरा जगत है इसमें बहुत बड़ा उछाल मचा के रख देगा, क्योंकि एक्चुअली तौर पे जो आपको मालूम है, जो वहां पे आपको 5 कैमरा देखने को मिलेगा, सबका अलग अलग वर्क होगा, लेकिन जब सब एक साथ कंबाइन करके आपको रिजल्ट देंगे तो ओवरऑल जो आपको क्वालिटी होगी इमेज की, इमेज जगत होगा, जो फोटोग्राफी जगत होगा, कहीं ना कहीं इसमें एक नया इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा। और 5 कैमरा है तो 5 का अलग अलग वर्क होगा। एक तो आपको स्टैंडर्ड कैमरा देखने को मिल जाएगा, मे बी आपको वाइड एंगल देखने को मिले, अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिले, टेलीफोटो देखने को मिले, डेप्थ सेंसिंग किया जाए, और भी तरह तरह के काम आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में एक फोटो में आपको ये सब चीज देखने को मिल जाए कंबाइन करके, तो ऐसे में जो आपको बाद में पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं बहुत कमाल का होगा, और ओवरऑल जो फोटो जगत है, ये जो आपको फोटो का
टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको कैमरा सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको एक और कमाल की चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो होगी 5G टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, Xiaomi हो गया, Oppo हो गया, और भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो मे बी आपको यहाँ कुछ 5G फोन को शोकेस करे, यहाँ पे आपको 5G टेक्नोलॉजी का शुरुआत देखने को मिल जाए। तो लिटरली ये सब काम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक और कमाल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, वो होगा फोल्डेबल डिस्प्ले को लेके। जैसा कि हाल में ही Xiaomi ने अपना कुछ शोकेस किया था, और कुछ जानकारी हाल में ही निकल के आया है कि Samsung अपने नए डिवाइस फोल्डेबल फोन को बहुत ही जल्दी पेश करने वाला है। तो मे बी ये जो MWC 2019 है, यहाँ पे आपको नई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगी स्मार्टफोन जगत में, वो होगा फोल्डेबल फोन का। तो ये बहुत कमाल की तकनीक होगी। और भी आपको कमाल कमाल के तकनीक देखने को मिलेंगे, जैसा कि LG का एक पेटेंट आज से कुछ दिन पहले सामने निकल के आया था, जहां पे उन्होंने 16 कैमरे को दिखाया था। जी हाँ, एक ही डिवाइस में 16 कैमरे, और एक्चुअली तौर पे अगर ये 16 कैमरे मिलके एक साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कमाल की पिक्चर देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत कमाल की होगी। उस फोटो को आप तरह तरह के माध्यम से एडिट कर सकते हैं, आप किसी के फेस को रिमूव कर सकते हैं, अगर फोटो ऐसे आ गया है तो वहां पे आप फेस को रिमूव करके इधर ले आ सकते हैं। यानी कि तरह तरह के कमाल कमाल की एडिटिंग आप उसमें कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, आउटपुट देखने को मिलेगी, वो बिल्कुल बेमिसाल और कमाल की होगी। तो ये कुछ नए नए कमाल के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने को मिलेगा MWC 2019 में। वैसे MWC 2019 में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 25th फरवरी 2019 को ये स्टार्ट होगा और 28th फरवरी 2019 तक चलेगा। तो बस यही कुछ कमाल का एक वीडियो था MWC 2019 से रिलेटेड, जहां पे मैंने सोचा कि आपको कुछ जानकारी दे दूं MWC के बारे में कि आखिरकार MWC है क्या, इसे कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, MWC 2019 में हमें क्या नया कमाल का इनोवेशन देखने को मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।